लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अगर आप अपने घर से सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर भगाना चाहती हैं, तो अपने घर को डिटॉक्स करें। जी हाँ, बॉडी और स्किन को डिटॉक्स करने के साथ साथ घर की डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे वास्तु के कुछ टिप्स जो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएंगे। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं तो खत्म होंगी ही, साथ ही धन लक्ष्मी का वास होगा। वास्तु के अनुसार बारिशों का और पॉजिटिव एनर्जी का आपस में खास संबंध है। बारिश आपके जीवन में खुशियां लाने का एक बेहतरीन साधन है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ज्यादातर परिवार मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। इसका मतलब बारिश आपके परिवार में स्नेह, प्यार और भरोसा लेकर आती है। अब बात करेंगे घर से जुड़ी उन छोटी छोटी सजावट की चीजों को लेकर जो आपके घर में वास्तु के अनुसार ही हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हैंगिंग बास्केट, घर की एंट्रेस पर चार पत्तों से लिपटी एक बास्केट टांगने से घर के लिए शुभ साबित होता है। यह आपके भाग्य और जीवन में खुशियां लेकर आएगी, साथ ही यह देखने में भी खूबसूरत लगेगी। दरवाजे खिड़कियां, अगर आप घर के दरवाजे नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखते हैं और उस दरवाजे पर हमेशा कुछ फूल लगा रखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। साथ ही बारिश के दिनों में इस दिशा से घर में प्रवेश करने वाला बारिश का पानी आपके कई दुख दर्द अपने साथ ले जाएगा। घर में एक शांत और सुखमयी माहौल बनेगा। कपूर वास्तु के अनुसार कपूर आपके घर को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू आपके परिवार में एक सुगंध पैदा करेगी। कपूर में आपकी बहुत सी मुश्किलें हल करने की ताकत है, ऐसे में हर रोज घर में कपूर जरूर जलाएं। लेमन ग्रास, घर में लेमन ग्रास लगाने से आपके कई शारीरिक मसले हल होते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा है तो उसके कमरे की खिड़की पर लेमन ग्रास का पौधा लगाएं। लेमन ग्रास घर की हर अशुद्ध हवा को खत्म कर देगी, व्यक्ति की शारीरिक समस्या जल्द हल होगी।